अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये कॉरिडोर क्रिएट किए थे, आज की वीडियो में हम सैंपल लाइन क्रिएट करेंगे। तो सैंपल लाइन क्रिएट करने के लिए होम टैब सैंपल लाइंस, जैसे ही सैंपल लाइन पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे जो मुझे कमांड बार में मैसेज आ रहा है सेलेक्ट एंड अलाइनमेंट आर प्रेस एंटर, तो आप एंटर प्रेस करें या राइट क्लिक करें तो यहाँ से आपने वो अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है जिस पे आपने सैंपल लाइन क्रिएट करने हैं। तो मेरे पास जो रेफरेंस अलाइनमेंट है मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है सैंपल लाइन का जो है ये विंडो जो है आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है तीन कॉरिडोर थे जो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किए थे और इन तीनों के हमने सरफेस बनाए थे। ठीक है, तो जो कॉरिडोर सरफेस थे वो हमारे डिज़ाइन सरफेस थे, फिनिश ग्राउंड के थे। तो मैं इनको पहले स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, इसके कलर वगैरह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में चेंज करेंगे। फिलहाल मैं इनको सेम रखते हुए कलर चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सैंपल लाइन स्टाइल और सैंपल लाइन लेबल है इसकी कुछ ऑप्शन दी हुई है, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये एज इट इज भी आप रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको जो है थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका डिफ़ॉल्ट से जो है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी ये जो विंडो है, ठीक है, सैंपल लाइन टूल्स है, यहाँ पर हमारे पास जो है चार पांच ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाय रेंज ऑफ स्टेशन, एट स्टेशन, फ्राम कॉरिडोर स्टेशन, पिक पॉइंट ऑन स्क्रीन और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन। बाय रेंज ऑफ स्टेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन है, नॉर्मली यही यूज़ की जाती है बाय रेंज ऑफ स्टेशन। इससे हमारे जितना भी अलाइनमेंट में स्टेशन है सबके सैंपल लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। एट स्टेशन, अगर हमें किसी पार्टिकुलर स्टेशन पर सैंपल लाइन रिक्वायर्ड हो तो हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ्राम कॉरिडोर, जहाँ जहाँ पे हमारी असेंबली इंसर्शन पॉइंट है, अगर हमें वहाँ पे अपने सैंपल लाइन रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे इसके सैंपल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। पिक पॉइंट ऑन स्क्रीन, अगर हमें ड्राइंग में कहीं पिक करके अपने पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें सैंपल लाइन रिक्वायर्ड हो तो हमें पिक पॉइंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉली लाइन, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई पॉली लाइन ड्राइंग में मौजूद हो तो हम उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब ऑप्शन को चेक करते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं बाय रेंज ऑफ स्टेशन को क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो ये विंडो हमारे सामने आई है। यहां पे जो है कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमें, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सैंपल लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो स्टेशन रेंज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे होता है। ये फ्राम अलाइनमेंट स्टार्ट बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है और अलाइनमेंट एंड ये भी ट्रू पे होता है। इन केस अगर आपको आपकी अलाइनमेंट ज़्यादा है और आपका कॉरिडोर कम है तो फिर हम इस ट्रू वाली ऑप्शन को फॉल्स में तब्दील करते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्शन विंडो के लिए एक टूल अवेलेबल है, ये ग्रीन कलर पे जो एरो बना हुआ है। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं तो हम अपनी ड्राइंग में चले जाएंगे। हमारा स्टार्ट स्टेशन जो है 44500 है। जैसे ही मैं सैरों पर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं ये एक जैक अपीयर हो गया है हमारी अलाइनमेंट के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी पूरी अलाइनमेंट पे सर्फसेज हैं, तो मैं सेम इसको 44500 एंटर करता हूं। जैसे मैंने इसको एंटर किया है तो पहली वैल्यू जो है हमारी सॉफ्टवेयर ने ले ली है। अभी हमारा जो एंड स्टेशन है ये ऑलरेडी ट्रू पे है, मैं इसको भी फॉल्स करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्लिक करके ये ग्रीन बटन पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास जो सरफस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है पूरी अलाइनमेंट पे। तो सेम मैं रिपीट करता हूँ इसको 4900। ओके, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे जो हमारी विड्थ राइट और लेफ्ट में जो है स्वेथ विड्थ जो दी गई है, ठीक है, वो हमारे कॉरिडोर इतनी विड्थ होनी चाहिए कि आपका कॉरिडोर इसमें आ जाए। मैंने ऑलरेडी इसको 150 में रखा है, ये मेरे लिए इनफ है। आप लोगों का केस जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। मैंने इसको 150 150 सेट किया है। ठीक है, उसके बाद यूज सैंपल लाइन इंक्रीमेंट ट्रू।
ओके, इंक्रीमेंट रिलेटिव टू एब्सोल्यूट स्टेशन और इंक्रीमेंट अलॉन्ग टेंजेंट। टेंजेंट जो स्ट्रेट पोर्शन है वहाँ पे हमें कितने मीटर पे चाहिए, कर्व पे कितने पे चाहिए, और अगर हमारी अलाइनमेंट में स्पायरल है तो फिर हमें कितने कितने मीटर पे ये रिक्वायर्ड है। तो मैंने सबको 25-25 मीटर पे ही रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी अलाइनमेंट स्ट्रेट ही है। उसके बाद है एट रेंज स्टेशन, स्टार्ट स्टेशन, ठीक है, मतलब हमारी अलाइनमेंट के स्टार्ट और एंड में अगर हमें सैंपल लाइन चाहिए तो ये फर्स्ट दो जो ऑप्शन है ये हम ट्रू करेंगे। और अगर हमारे पास हमारी अलाइनमेंट में कुछ वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट है तो हम इस पे भी अपनी सैंपल लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकल ज्योमेट्री पे नहीं कर रहा, मैं हॉरिजेंटल पे जो हमारी स्टार्ट और एंड है मैं वहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो सैंपल लाइन हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सैंपल लाइन हमारी क्रिएट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं अभी तक हम स्टिल कमांड हमारी रनिंग है इसमें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है अपनी जो ऑप्शन है उनको भी हम ट्राई करते हैं, एट स्टेशन। अगर हमें किसी पार्टिकुलर स्टेशन पे अभी रिक्वायर्ड है सैंपल लाइन तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ एट ए स्टेशन और यहाँ से हम रैंडम कोई एक दो स्टेशन पे इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे मेरे पास 48 + 700 है, तो मैं 48 710 का इसको चेने देता हूँ और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे विड्थ पूछी जा रही है राइट और लेफ्ट में, तो इसको एंटर करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एडिशनल सैंपल लाइन जो है वो ऐड हो चुकी है। हम एक और क्रिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 740 पे मैं क्रिएट करता हूँ, 48 + 740, ओके ओके। यहाँ पे हमारी 740 पे भी क्रिएट हो गई है सैंपल लाइन। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेम जो विड्थ हमारी थी पहले वाली सैंपल लाइंस की, ये सेम वैसे ही है, ठीक है। अभी हम दूसरी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, फ्रॉम कॉरिडोर स्टेशन। तो ये कॉरिडोर स्टेशन में बहुत ज़्यादा स्टेशन है हमारे पास, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपके असम्बली सर्शन पॉइंट है ये वहाँ वहाँ पे आपकी सैंपल लाइन क्रिएट करेगा। पिक पॉइंट ऑन स्क्रीन, तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑप्शन को क्लिक किया है तो यहाँ पे हम ड्राइंग में आ गए। जैसे मैं इधर कहीं एक स्टेशन पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रैंडम मैं किसी स्टेशन पे आके क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक और एंटर किया, यहाँ पे हमारी इनक्लाइंट लाइन जो है वो बन गई है, ये भी हमारी सैंपल लाइन है। एक और हम क्रिएट करके देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, और अगर आपका ऑर्थो ऑन है तो आप F8 प्रेस करके इसको ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ला के क्लिक करके राइट क्लिक एंटर कर देता हूँ। तो ये फोर्थ नंबर एडिशनल लाइन सैंपल लाइन जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अभी हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बची है वो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉली लाइन की बची है। तो पॉली लाइन फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं ड्रा कर लेता हूँ इसमें ड्राइंग में, ठीक है। ये मैंने एक पॉलीलाइन ड्रा कर दी है, अभी हमने इसको सैंपल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो सेम होम टैब में सैंपल लाइन की ऑप्शन है, ठीक है, और अपना अपने अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है, ओके, और यहाँ पे आपने ऑप्शन लेना है एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन, और आपने एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन को जैसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ स्टेशन भी आ गया है और ये हमारी सैंपल लाइन में भी कन्वर्ट हो गया। अभी हम इसको मज़ीद एडिट करके देखेंगे कि हम इसको मज़ीद कैसे एडिट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, इसकी विड्थ जो है अभी हमारी जो नॉर्मल जो सैंपल लाइन हमने क्रिएट की है वो 150 विड्थ की है राइट और लेफ्ट में, जबकि इसकी विड्थ कम है। अगर हमने इसकी विड्थ बढ़ानी है तो ये वाली जो इसकी ट्राई एंगल है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट डिमेंशन इसके साथ अभी शो हो रही है वो इसका एंगल है, ठीक है। तो अगर आपको एंगल इसका चेंज करना है, आपको सेम इसको स्ट्रेट पैरेलल टू अलाइनमेंट करना है और पेंडिकुलर करना है, तो आप इसको यहाँ पे जीरो प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे हमारी सैंपल लाइन ये वाली 90 डिग्री पे थी, ठीक है, अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर थी, तो ये जीरो एंगल पे आ गई है। अगर अभी हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है, 150 हमें करना है,
तो मैं जस्ट यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ और मैं इसको 150 एंटर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है वो अपडेट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ सेम जो है हमारी एग्जिस्टिंग सैंपल लाइन जो थी उनके हिसाब से आ गई। अगर अभी हमें इसको भी सेम ऐसे ही पहले विड्थ चेंज करनी है, सपोज हमें अभी ये एंगल आ रहा है, मैं इसको टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 150 प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम 150 डायमेंशन की हो गई है। अभी मैं इसका एंगल 0 कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी हमारी सेम सैंपल लाइन की तरह एक स्ट्रेट सैंपल लाइन बन गई है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेक ऑर्थोगोनल करना है, तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इसकी जो विड्थ है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, 0 का मतलब हमारा एंगल है। जैसे मैंने टैब प्रेस किया तो इसकी डायमेंशन 84 दिखा रहा है, हमारे पास 150 है। मैं इसको 150 करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको एक दफ़ा टैब प्रेस करके 150 करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये पॉली लाइन वाली थी, ठीक है, तो पॉली लाइन और ये जो हमारी सैंपल लाइन है ये अभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो आप पॉली लाइन को इसमें से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको मूव करके मैंने डिलीट कर दी है। अभी आप इसको किसी भी रैंडम स्टेशन पे आप इसको टाइप करके आप अपना स्टेशन भी रख सकते हैं और ऐसे भी इसको रख सकते हैं। अभी ये वाले जो है, ये वाली जो हमारी लाइन है, इसके आप ये जो वर्टेक्स हैं इनको आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसका क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे तो ये इसी हिसाब से जो भी सरफेस का डाटा इसके नीचे जो भी जैसे है जिस शेप में भी है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ से मूव किया, यहाँ से मैंने इसको इधर मूव कर दिया। अगर आपने इसको अभी स्ट्रेट करना है तो सेम है ऑर्थोगोनल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी सैंपल लाइन का वीडियो। और अगर ये वाली जो विड्थ है अगर आपने इनको अपडेट करना है, तो सैंपल लाइन ग्रुप फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना है, लास्ट वाली को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपनी जो भी डायमेंशन आप एंटर करेंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं इसको 130 कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके, तो डायमेंशन सारी हमारी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें मजीद जो है इसकी जो सेटिंग है, अगर आप राइट क्लिक करें, ग्रुप प्रॉपर्टी, एडिट ग्रुप लेबल, यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टी जो दी हुई है, मार्कर वगैरह के स्टाइल दिए हुए हैं, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। अगर हम इसको एडिट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ एक मार्कर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कर 1 है, आप इसका कलर वगैरह जो भी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सपोज रेड कर देता हूँ, ओके, आप लोग इधर डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको रेड कर देता हूँ, ओके, ये मैंने रेड कर दिया, ओके। ये हाइट वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जर्नल है, ओके, इस सेटिंग को भी आप देख सकते हैं कि आपने इसको कैसे रखना है। ठीक है, विजिबिलिटी ट्रू है, ओके, अप्लाई है, ओके ओके ओके, अप्लाई और ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसके साथ ये मार्कर भी आ गया है, क्रॉस सेक्शन मार्कर। आप इसका फिल भी ख़त्म कर सकते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह जो भी देना चाहें आप देख सकते हैं। तो ये सैंपल लाइन का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।